पीएम कुसुम सोलर पंप योजना 2022 में नए आवेदन हुए शुरू। योगी सरकार 10,000 किसानों को दे रही है 90% सब्सिडी पर सोलर पंप। सिर्फ इन किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीएम कुसुम सोलर पंप योजना 2022 में नए आवेदन हुए शुरू। योगी सरकार 10,000 किसानों को दे रही है 90% सब्सिडी पर सोलर पंप। सिर्फ इन किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ। हेलो दोस्तों, सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीकाटू न्यूज में। लखनऊ मौसम में हो रहे निरंतर बदलाव का सीधा असर अब साफ दिखने लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप हर साल मानसूनी बारिश में असमानता देखी जा रही है। कई सामान्य से अधिकतम तो कहीं सामान्य से कम बारिश देखने को मिली है। इस साल उत्तर प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है, जिसके चलते प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है। ऐसे में यहाँ मानसूनी वर्षा नहीं होने के कारण भूमिगत जल स्तर काफी नीचे चला गया है, जिसके चलते यहाँ के कई जिलों के किसानों को सिंचाई की पर्याप्त जल भी नहीं बचा है। इस स्थिति के चलते किसानों की खेती भी प्रभावित हो रही है। यहाँ फसलों की सिंचाई के लिए नए उपाय तलाशे जा रहे हैं, जिसमें सरकार भी नई परियोजना चला रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप देने का फैसला लिया है। पूरे राज्य भर में किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सोलर पंप सेट दिए जाएंगे। इसके लिए किसानों को विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। सोलर पंप सेट के सहारे समाधान किया जा सकता है। सिंचाई की वजह से फसल उत्पादन प्रभावित न हो, इसके लिए यूपी की योगी सरकार ने किसानों को सोलर पंप सब्सिडी पर दे रही है। सोलर पंप दुर्गम क्षेत्रों एवं बिजली कटौती से परेशान किसानों को राहत देगा। सिंचाई की समस्या को सोलर पंप के सहारे समाधान हो सकता है और सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप को किसान अपने खेत में इंस्टॉलेशन कराकर अपने आसपास के क्षेत्रों में किसानों को भी सिंचाई की समस्या से मुक्त कर सकता है। यूपी सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत पूरे राज्य में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 10,000 से अधिक सोलर सेट किसानों को सब्सिडी पर मुहैया करवाएगी। राज्य के इन सभी जिलों में दिए जाएंगे सोलर पंप। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप के लिए 90% तक का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को कुल कीमत का 10% ही इसमें देना होगा। विभागीय वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। अनुदान पर सोलर पंप पाने के लिए किसान 20 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा 20 अक्टूबर 2022 से सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर मंडल के सभी जिलों में अनुदान पर सोलर पंप वितरित करने का फैसला किया है। वहीं 21 अक्टूबर से देवीपाटन, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, आजमगढ़ और बस्ती मंडल के सभी जिलों में अनुदान पर सोलर पंप दिए जाएंगे। साथ ही 22 अक्टूबर 2022 से कानपुर, प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, मिर्जापुर, वाराणसी मंडल के सभी जिलों में अनुदान पर सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सोलर पंप देने का फैसला। सूत्रों की रिपोर्ट के अनुसार उप कृषि निदेशक का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा किसान को प्रथम चरण में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जिन कृषकों द्वारा क्षमतावार ऑनलाइन बुकिंग की जा चुकी है तथा उनका नाम सूची में है, ऐसे कृषकों की बुकिंग को क्षमतावार लक्ष्यों की सीमा के तहत कंफर्म करने के बाद नए कृषकों की बुकिंग ऑनलाइन टोकन के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को विभागीय पोर्टल www.upagriculture.com पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। जिले में निर्धारित लक्ष्य तक ही किसान का चयन किया जाएगा। ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के बाद कृषक अंश की राशि एक हफ्ते के अंदर किसी भी इंडियन बैंक शाखा में जमा करवानी होगी। यदि किसान इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते है तो उसका चयन स्वतः ही नष्ट कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना 2022 को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना संबंधित आपको और विस्तार जानकारी दे सके। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।